12 नवंबर 2008 का मेरे पास आपका बयान है। मुंबई का जो एटीएस है जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने कहा, मैंने तो आप कह रहे थे एटीएस मुंबई, उसके द्वारा झूठे बयान दिए जा रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार के दबाव में। उनके द्वारा झूठे बयान प्रसारित किए जा रहे थे। पहले उन्होंने गोरखपुर के एमएलए का, पहले एमपी का नाम लिया, फिर एमएलए का नाम लिया। मुझसे टेलीफोन से बातचीत की गई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में एटीएस अपनी भूमिका से इतर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्य करेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी स्वागत करेगा।